देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस साल हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को देश के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत देश के हर वासी से आग्रह किया है कि वह अपने घर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराए और हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाएं। इसको लेकर इंदौर जीपीओ चौराहे स्थित पोस्ट ऑफिस पर भी तैयारी पूरी हो गई है। इंदौर वरिष्ठ पोस्ट मास्टर ने बताया कि तिरंगा अभियान को लेकर जीपीओ सहित 35 डाकघरों में तिरंगे को लेकर काउंटर बनाए गए हैं, जिससे सभी व्यक्ति अपना तिरंगा आसानी से खरीद सके। चूंकि राखी का सीजन चल रहा है तो पोस्ट ऑफिस में काफी भीड़ है और हर कोई व्यक्ति तिरंगा खरीदने आ रहा है। पोस्ट ऑफिस में 25 रुपए के हिसाब से तिरंगा झंडा लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। 75 वर्ष पूर्ण होने पर घर का तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, विभाग का क्या सहयोग रहेगा और किस तरह से पूरा झंडे अवेलेबल होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार चूंकि आज़ादी का हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये हम सबके लिए गर्व का विषय है और निश्चित तौर पे हम सबकी उतनी ही भागीदारी रहेगी इस बार जितना एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी कल्पना की है। उसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देशवासियों से कि हर घर तिरंगा, इस अभियान के तहत भारतीय डाक विभाग भी अपना सब कुछ तैयारी करके रखा हुआ है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, जो हम तिरंगा की बात कर रहे हैं, तिरंगा डाकघर के हर डाकघर के माध्यम से हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जो कि वर्तमान में 20 इंच बाय 30 इंच साइज का उपलब्ध है और जिसकी वर्तमान कीमत में भी 25 रुपए के इस पे हम एक आम जनमानस के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। इंदौर जीपीओ में हमने उसके लिए स्पेशल काउंटर खोला हुआ है, जिससे आम जनमानस आसानी से अपना तिरंगा प्राप्त कर सकता है। वर्तमान की अगर मांग पर बात की जाए तो इतनी अत्यधिक मांग है कि चूंकि वर्तमान में राखी का अभी 11 अगस्त को राखी भी आ रही है, उसके लिए जो भाई और बहनें अपने यहाँ से राखियाँ भेज रहे हैं, उसकी जो भीड़ है, वो भीड़ का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उन्हें तिरंगा मिले और उसके लिए हर काउंटर पर हमने व्यवस्था का प्रयास किया कि हर काउंटर से भी हम तिरंगा उपलब्ध करवा सकें। अगर बात की जाए संख्या में कितने झंडे अवेलेबल हैं और कितनों की डिमांड आ चुकी है? निरंतर इसका प्रयास चल रहा है कि जितने भी डिमांड है उसको पूरा किया जाए। वर्तमान में जो हमारे पास स्टॉक आया था वो लगभग समाप्त होने की कगार पे है और उसके लिए जो एहतियातन है हमने फिर अपनी डिमांड दे दी है, तो संभवतः आज या कल में हमारे पास और ध्वज प्राप्त हो जाएंगे तो हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराने में सक्षम रह पाएंगे। इंदौर की बात करें तो जीपीओ के अलावा भी और कहाँ पर वितरण हो रहा है? इंदौर के लगभग 35 सभी डाकघरों में हमने व्यवस्था की है कि जो भी नागरिक जिस भी डाकघर में जाए उसको आसानी से वहाँ पर तिरंगा उपलब्ध हो जाए, तो इंदौर के सभी डाकघरों में काउंटरों पर तिरंगे उपलब्ध हैं। सर, आपका श्रीनिवास जोशी, मैनेजर बिजनेस पोस्ट, इंदौर जीपीओ।